का असर जी की परीक्षा पर भी साफ नजर आया। कोरोना के चलते परीक्षार्थियों की उपस्थिति कम, परीक्षा के दर पर नजर आई काम। एक बैच के अंदर 100 बच्चों की परीक्षा का लक्ष्य रखा गया था, परंतु बच्चों का प्रवेश 50% से भी कम रहा। इसमें केवल 50 परीक्षार्थी से भी कम ने भाग लिया। इस मौके पर सुबह से पुलिस का भी भारी मात्रा में पहरा रहा। इसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया। परीक्षा से पहले पूरे परीक्षा सेंटर को सैनिटाइजर किया जा रहा है। वहीं दिन में 2 बैच रखे गए हैं, एक सुबह 9 से 12, दूसरा 3 से 6 रखा गया है। टोटल बैच 12 रखे गए हैं, जिसमें 1200 परीक्षार्थी भाग लेंगे। सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम भी नाकाफी रहे। सब कुछ परफेक्ट था, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही थी। 7:30 और एग्जाम कितने बजे शुरू हुए? 9। अब टोटल अटेंडेंस नहीं पता, बट सीट्स के बीच में काफी गैप था, मॉडरेट था। सब अच्छा था, अंदर सारी COVID-19 की वजह से सारी वो भी थी, सैनिटाइजर का था, और काफ़ी दूरी पर भी उठा रखे थे बच्चों को, काफ़ी चेयर छोड़ के सीट वो थी, कंप्यूटर था और साइलेंस था, बहुत अच्छी स्पीड था, ठीक था, ना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक था। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी अपसेंट थे और काफ़ी सीट छोड़ के जैसे बुक कर रखी थी, काफ़ी अपसेंट थी। Sir, their arrangements are awesome. मतलब you can't able to all the things are sanitized. मतलब अब कहीं भी कोई टच नहीं था, जो था हम सब हम ही कर रहे थे, और हमारी भी कुछ अच्छी अवेयरनेस थी और यहाँ पर प्रॉपर नहीं थी। सर एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी सही कहा है, और ये है भी कि 99.87 बच्चों को सिर्फ वो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर वाला ही सेंटर मिला है, तो इट्स ऑब्वियस वो उनके नियर बाई होगा, वो अपने पर्सनल व्हीकल पर ट्रैवल कर सकते हैं। अब जिस सर ये है कि वहाँ पर तब सर को गवर्नमेंट को उनके लिए मतलब बसेज वगैरह या फिर कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि वो सेफली अपने घर पहुँच सके, वो तब तक करेंगे। इसके लिए स्कूल के जो पूरे इंतजाम किए गए हैं जी, यहाँ पे 10-12 कर्मचारी कम से कम हो चुके हैं। स्कूल सुबह 10 से 9 बजे आए थे, 10 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था, अभी सब खत्म होने वाला है जी। चलते रहेंगे जी, आने वाले दिनों में भी ऐसे चीज़।